तो दोस्तों स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में, और आज मैं बात करने वाला हूँ आरकॉम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आरकॉम में है जो थोड़ी बहुत तेज़ी तो दिख रही है, लेकिन इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रू और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है और डिक्रीज़ होने वाला है। तो चलिए मैं आरकॉम के बारे में कुछ बता देता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये आरकॉम में यहाँ पर देखिए 5% की जो है ग्रोथ हुई है, और ये आज ही नहीं दोस्तों, ये डेली जो है थोड़ा थोड़ा जो है ग्रोथ हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, इसमें अभी कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जिससे आपको जो है इसको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब इसमें बैंकरप्टी हुआ तो ये लूट चुका है, और मतलब कि इस कंपनी में तो दिवालिया ही आ चुकी है। तो देखिए बहुत दिन बाद इसमें एक जो है ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा, इसका ग्राफ भी दोस्तों पूरा उल्टा फुलटा है। तो मैं तो दोस्तों आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसमें निवेश ना करें, अगर आप, क्योंकि दोस्तों आपका पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं किसी पैसे को, अगर चाहते हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट मिले किसी शेयर्स में डालने से, तो दोस्तों आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि किस में डाला जाता है और किस में नहीं डाला जाता। वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है, 50 to 70%, 80% हमको 50 to 80 पॉइंट दोस्तों हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। पॉइंट मतलब कि दोस्तों मैंने बोला था कि बाय कर लीजिए, मान लीजिए मैंने बोला, एक मिनट दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि दोस्तों मैंने बोला था कि 5 रुपीज़ में बाय कर लीजिए किसी चीज़ को, और फिर मैंने बोला था कि 200 तक जाएगा। तो दोस्तों वैसा हुआ है, आप दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो देखिए दोस्तों मैंने शॉर्ट टर्म के ऊपर ऊपर में बहुत वीडियो बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको नीचे से एक बार बता देता हूँ, तो देखिए दोस्तों मेरा जब फर्स्ट वीडियो देखिए दोस्तों, ये था मेरा वेदांता, ये तो दोस्तों डूब चुका है, एक बार नीचे से इधर है। हाँ देखिए ये दोस्तों फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो में मैंने दोस्तों यहाँ से मैंने शुरुआत किया था शॉर्ट टर्म के लिए। इस वीडियो में मैंने पहली बार बताया था कि वेदांता का जो शेयर है वो गिरने वाला है, तो जिनके पास है वो सेल कर दीजिए, और जिन लोगों को प्रॉफिट है वो लोग निकल जाइए वहाँ से, और इसमें बाय करने के लिए सोचिए भी मत। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। देखिए येस बैंक के लिए बनाया था उस दिन, दूसरे दिन ये भी प्रॉफिट दिया, और मैंने ONGC के बारे में बताया था। तो दोस्तों ऐसे बताते मैंने बहुत बताया, इन्फ्राटेल में भी बताया था दोस्तों, इसमें भी 12.17 पॉइंट प्रॉफिट हुआ था। लुपिन में भी दोस्तों मैंने बताया था कि देखिए बहुत तेज़ी से इसका लुपिन का जो तो गुड न्यूज़, बहुत तेज़ी से इसका प्राइस गिरने वाला है दोस्तों, मैंने देखिए 26 दिन पहले ही बता दिया था। और आज का डेट में देखिएगा तो दोस्तों लुपिन जो है पूरा डूब चुका है। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, मैं उनका मतलब बोलना चाहता हूँ कि वो अभी बहुत गंभीर मामला में फंस चुके हैं, उनको निकलने का बहुत कम चांस है। लेकिन दोस्तों अगर वो निकलना ही चाहते हैं तो मैं उनका हेल्प कर सकता हूँ, अगर हेल्प चाहिए तो दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर में है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी तरह मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। एक्सिस बैंक के बारे में भी बताया था, तो दोस्तों आप डेट देख लीजिए, 24 डेज़ मैंने बताया, 24 डेज़ पहले बताया था, आप NSE की वेबसाइट पर जाके देख लीजिए मैंने दोस्तों। तो मुथू फाइनेंस के बारे में भी मैंने बताया था दोस्तों, जब इसका 190 पे प्राइस चला था, 180 पे प्राइस चला था तभी बताया था, और आज के डेट में दोस्तों मैंने 590 पे दोस्तों 580 या 590 पे ट्रेड कर रहा था तब। और दोस्तों आज के डेट में देखिएगा तो 625 रुपीज़ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों मैं जो है शॉर्ट टर्म के लिए बनाता था दोस्तों, अब जो है मैं लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आरकॉम में जो है निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आया है जिससे आपको इसमें बाइंग का पोजीशन लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले ही डूब चुकी है और ये अभी भी आपको डुबा सकती है। तो इसमें जो अभी थोड़ी बहुत आपको तेज़ी दिख रही है वो आपको मलाई मारने के लिए है दोस्तों, वो आपको मलाई मारने के लिए। अगर आप पैसा ही लगाना चाहते हैं, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अभी पैसा डालूं और मेरे 2 साल बाद या 3 साल बाद मुझे जो है बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो दोस्तों मैं उसके लिए भी बता सकता हूं। देखिए RVNL, ये दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इसमें अभी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट नहीं है, मैंने दोस्तों बता दिया है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट नहीं है और इसका जो 52 वीक लो चल रहा है 18 रुपीज़ था और हाईएस्ट है 26 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों, अभी 18 से दोस्तों यहाँ 23-24 पे पहुँच रहा है। दोस्तों मैंने भी इसमें 150 क्वांटिटी खरीदा है। ये इसलिए मैंने खरीदा है दोस्तों क्योंकि जितने भी जो लोग मेरे सर्विस लेते हैं उनको दिखाना पड़ता है एज अ प्रूफ के लिए कि हाँ। तो आरकॉम में भी मैंने जो है 6 क्वांटिटी लेके रखा है, ये जो है एज ए प्रूफ के लिए दिखाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, 6 क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें मैंने 2 रुपीज़ का शेयर है, तो देखिए मान लीजिए कि 12 रुपीज़ ही ऐसे कुछ आसपास में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एज अ डेमो के लिए मैंने बताया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, तो दोस्तों हमारे यहाँ से पहले ही बता दिया जाता है। मैंने दोस्तों बहुत वीडियो बना चुका है कि किसको खरीदना चाहिए और किसको नहीं खरीदना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म के लिए था, तो दोस्तों मैं अब कभी कभार वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, तो दोस्तों आप इसको प्रिफेयर कर सकते हैं। ये आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। और दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ, और जो चाहते हैं कि उसमें तो दोस्तों डिविडेंड नहीं था है, और जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ओरिएंट पेपर, ओरिएंट पेपर दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा आने वाले दिनों में। और रिटर्न के साथ साथ दोस्तों इसमें जो डिविडेंड है वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। आप तो सोच रहे हो कि बस 3.17 है दोस्तों, इसको 3.17 को इसको परसेंट में लाइए, परसेंटेज में, तो ये 31 रुपीज़ का शेयर है, तो दोस्तों 11 पॉइंट, तो दोस्तों 11% आपको जो है डिविडेंड दिया जा रहा है इसमें। और देखिए इसमें शेयर्स भी बहुत महंगा नहीं है, तो मैं इसलिए आपको प्रिफेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं, अच्छे निवेशक हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं साल 2 साल या ऐसे कुछ साल 2 साल या 3 साल के अंदर में कुछ पैसा कमा लूँ, तो दोस्तों मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये दोनों प्रेफर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका है। देखिए मुथु फाइनेंस के बारे में मैंने बताया था, और ये भी औरंदो फार्मा चाहे जो भी है इसके बारे में भी बताया था। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन सा शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके रखना चाहिए। दोस्तों मैं बिल्कुल मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में ही मैं बताता हूँ, और दोस्तों मेरे सारे वीडियो में वीडियो के लास्ट में मैं बता देता हूँ कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है और डिक्रीज़ होने वाला है। और एक बात दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टोरेंट फार्मा के लिए, तो दोस्तों इसका प्राइस जो है 60 रुपीज़ में चल रहा था, सॉरी 1600 में चला था दोस्तों। अभी इसका प्राइस जो है 50 रुपीज़ जो है गिर चुका है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि जब भी देखिए, जब मैंने इसको बोला था, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, जब भी मैंने बोला किसी चीज़ को बाय करने के लिए, तो आपको एक चीज़ नोटिस करना चाहिए दोस्तों। ये मार्केट जो है ओपन जब होता है, तो दोस्तों ये मतलब कि 10-15, अगर बहुत बड़ा शेयर है तो दोस्तों वो 10-15 रुपया का जो है अप डाउन में ही वो ओपन होता है। तो आपको जो है वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इसको प्रेफर किया है और बाय किया है मेरे वजह से, उनको डरने की कोई बात नहीं है। इसका प्राइस जो है ऊपर जाएगा ही दोस्तों। और इसका टारगेट और जो भी है मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल में आपको बताया जाएगा कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है और डिक्रीज होने वाला है, और आपको कौन सा शेयर में निवेश करना चाहिए और नहीं निवेश करना चाहिए। और दोस्तों हमारी तरफ से सर्विस भी जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है।